नमस्कार, मैं शालिनी सिंघल आज आपके सामने फिर एक खांडवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज उसके इंग्रेडिएंट्स हैं एक कटोरी बेसन, इसी नाप का कटोरी लेंगे हम दही के लिए, एक कटोरी दही, घोल बनाते समय थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हींग और थोड़े से नमक का प्रयोग करेंगे। बाकी लोग तो स्टफिंग के बिना खांडवी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको स्टफिंग वाली खांडवी बताऊंगी आज। खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में बेसन डालेंगे और एक कटोरी दही, इसी कटोरी से नापकर दो कटोरी हम पानी लेंगे और बेसन को लगातार चलाते रहेंगे। इसमें जो हमने हल्दी और हींग और नमक लिया था वो भी डाल देंगे। इस घोल को हम लगातार चलाते रहेंगे, बीच में रोके ही नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ये रुक गया तो बीच में या तो लम्स पड़ जाएंगे या नीचे चिपकने लगेगा कढ़ाई से, तो लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। तो अब देखिए हमारा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है घोल, और मैं अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का होना चाहिए। अब थोड़ा सा और, ये एक बार ये देखिए, और ये प्रोसीजर हम बहुत जल्दी तेज़ी से करेंगे। मैंने पहले ही एक शीट बिछा के रखी है जिस पे स्पैचुला की सहायता से मैं उसे पूरा स्प्रेड कर रही हूँ। देखिए जितनी देर में हमारा ये स्प्रेड किया हुआ बैटर ठंडा होता है उतनी देर में हम सब्जी तैयार करते हैं स्टफिंग। एक पैन लिया, पैन में ऑयल डाला और थोड़े से मस्टर्ड सीड डाले, हींग थोड़ा सा डाला, और उसमें अब हम पत्ता गोभी डालेंगे और थोड़ी सी प्याज, दोनों को मिक्स करके उसे थोड़ा सॉटे होने के लिए रखेंगे। जल्दी सॉटे हो जाए तो इसलिए हम थोड़ा नमक डालेंगे। देखिए ये हो रहा है। अब इसका कलर थोड़ा जब चेंज होने लगे तो इतने हम मिर्च, काली मिर्च और नमक लेके, गाजर, शिमला मिर्च, जो हमारी बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब डाल के मिक्स कर देंगे। टेस्ट लाने के लिए मेरे बच्चों को थोड़ा शेज़वान सॉस पसंद है तो आप शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सब्जियों को लिड से ढककर एक तरफ रख देंगे और हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए ऑयल लिया, उसमें मस्टर्ड सीड्स और हींग और थोड़ा सा करी पत्ता और धनिया डाला। अब हमारा बैटर ठंडा हो चुका है और हमने बेसन की लंबी लंबी पट्टियां काट ली हैं। इस पे अब हम सॉस लगा रहे हैं, वही शेज़वान सॉस, और अब थोड़ा सा नारियल डालेंगे। अब हम इसमें इस तरीके से स्टफिंग डालना शुरू करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ा थोड़ा पूरी पट्टी के ऊपर फैला देंगे सब्जी को। बहुत ज्यादा नहीं भरनी है वरना आपकी खांड भी फटेंगी। इसमें आप पनीर भी भर सकते हैं, पनीर में काली मिर्च, नमक वगैरह डाल के वो भी भर सकते हैं। चाकू की सहायता से इसे थोड़ा सा ओवरलैप किया और फिर दोनों हाथों से दो तीन फोल्ड बनाते हुए इसको हमने यही कट कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से हम अपनी सारी खांडवी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए सब कितनी सुंदर आ रही हैं। देखिए इस प्रकार सारी खांडवी तैयार करने के बाद इसमें आप तड़का डाल दीजिए।
थोड़ी देर इसे हमें फ्रिज में सेट होने के लिए रखना पड़ेगा। ऊपर से थोड़ा नारियल, इस तरीके से नारियल और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश करने के बाद अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। देखिए अब इस प्रकार हमारी खांडवी तैयार हो चुकी है और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। कोई भी कभी भी आपके घर अचानक आ जाए और नाश्ते में आप ये तुरंत बना सकते हैं। मेरी अगली रेसिपी के साथ हम